साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हिंदी लिखना सीखें, हिंदी लिखना सीखें कि आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के पर्यायवाची शब्द लिखना सीखेंगे। आज की वीडियो हम लोगों के लिए दो तरह से उपयोगी होने वाली है। पहले तो हम लोग हिंदी लिखना सीखेंगे और साथ में ही हम लोग हिंदी के शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखिए। हम लोग हिंदी लिखना सीखेंगे और साथ ही साथ हिंदी के शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ लिखने के लिए तैयार होंगे। तो लिखेंगे, आज का पहला शब्द है अमृत। अमृत लिखेंगे आ और मा में री की मात्रा और त, अमृत। अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं अमीय। अमीय लिखेंगे छोटा आ और मा में छोटी की मात्रा और या, अमीय। पीयूष पा में बड़ी की मात्रा या में छोटे उ की मात्रा और श, पीयूष। अमी आ मा में बड़ी की मात्रा अमी और मधु, मा। धा में छोटे उ की मात्रा मधु के बाद में सुधा, सुधा लिखेंगे। सा में छोटे उ की मात्रा, धा में आ की मात्रा सुधा। शुभा, शा में छोटे उ की मात्रा, भा में बड़े अ की मात्रा शुभा। सुरभोग, सुरभोग। सा में छोटे उ की मात्रा सु और असुर, भा में ओ की मात्रा भो और ग, सुरभोग। और सोम लिखेंगे सा में ओ की मात्रा और मा सोम। ये सभी शब्द अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। और अगला शब्द है अर्जुन। अब हम लोग अर्जुन शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। आ लिखेंगे छोटा आ, जा में छोटे उ की मात्रा और साथ में रेफ की मात्रा भी है, ठीक है। अर्जुन, न लिखेंगे अर्जुन, ठीक है। अर्जुन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं भारत। भारत, भा में आ की मात्रा भा, रा और तारत, भारत। गुणाकेश, गा में छोटे उ की मात्रा और आ में आ की मात्रा गुणाकेश, का में ए की मात्रा के और श, गुणाकेश। के बाद में अगला शब्द है पार्थ। पा में आ की मात्रा और था में रेफ की मात्रा पार्थ। के बाद में सहस्रार्जुन, सहस्रार्जुन है, सहस्रार्जुन। सा हा और सा में पदेन्द्रा और आ की मात्रा सहस्रार्जुन, जा में छोटे उ की मात्रा साथ में रेफ की मात्रा और ना सहस्रार्जुन। और फिर है धनंजय। धा नाम अनुसार बिंदु धनन, जा और या जय धनंजय। ये सभी शब्द हुए अर्जुन शब्द के पर्यायवाची। और आगे लिखेंगे हम लोग अतिथि शब्द के पर्यायवाची। अतिथि, उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ लिख रहे होंगे। अतिथि लिखेंगे छोटा आ, ता में छोटी की मात्रा अति और था में भी छोटी की मात्रा अतिथि, ठीक है। अतिथि शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं मेहमान। मा में एक की मात्रा और हा मेह, मा में आ की मात्रा मा और न मेहमान, मेहमान। के बाद में पहुना, पा और हा में छोटे उ की मात्रा पहु, ना में आ की मात्रा ना पहुना, पहुना। के बाद में अगला शब्द है अभ्यागत। अभ्यागत
छोटा आ, आधा भा या में आ की मात्रा अभ्या, गा और तागत अभ्यागत। और अगला शब्द है रिश्तेदार, रिश्तेदार लिखेंगे रा में छोटी की मात्रा आधा श्या, ता में ए की मात्रा रिश्ते, दा में आ की मात्रा दा और रिश्तेदार। के बाद में अगला शब्द है नातेदार, ना में आ की मात्रा, ता में ए की मात्रा नाते, दा में आ की मात्रा दा और नातेदार। के बाद में अगला शब्द रहेगा आगंतुक, बड़ा आ और गा, आधा ना, ता में छोटे उ की मात्रा और क आगंतुक। ये सभी शब्द अतिथि शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला शब्द है अमूल्य, अमूल्य छोटा आ और मा में बड़े उ की मात्रा, आधा ला और या, अमूल्य। अमूल्य शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं अनमोल, आ और न अन, मा में ओ की मात्रा मो और ल, अनमोल। के बाद में अगला शब्द है बहुमूल्य, बा हा में छोटे उ की मात्रा बहु, मा में बड़े उ की मात्रा आधा ला और या, बहुमूल्य। बहुमूल्य के बाद में मूल्यवान, मूल्यवान मा में बड़े उ की मात्रा मू आधा ला और या मूल्य, वा में आ की मात्रा वा और न, मूल्यवान। और अगला शब्द है वेश कीमती, बेश कीमती, वे श बेश कीमती, का में बड़ी की मात्रा और मा कीम, ता में बड़ी की मात्रा ती, बेश कीमती। विराम लिखेंगे। और इसके बाद में अगला शब्द हमारा है अरण्य, अरण्य लिखेंगे अ और रा, आधा अणा और या, अरण्य। ठीक है, अरण्य शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं जंगल, जंगल लिखेंगे जा में अनुसार बिंदु जंग, ग और लागल जंगल, वन वा और न वन। के बाद में है विपिन, वा में छोटी की मात्रा, पा में भी छोटी की मात्रा और न, विपिन। के बाद में कांतार, कांतार लिखेंगे का में आ की मात्रा आधा ना, ता में आ की मात्रा ता और कांतार। के बाद में अगला शब्द है कानन, का में आ की मात्रा का, न और न, कानन। विराम लिखेंगे। और अरण्य के बाद में अगला शब्द हमारा है आकुल, आकुल लिखेंगे आकुल, बड़ा आ और का में छोटे उ की मात्रा और ल, आकुल। आराम आराम से लिख रहे हैं ताकि आप भी हमारे साथ लिखते रहें। आकुल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, पहला शब्द है व्यग्र, आधा वा और या, गा में पदेन्द्र व्यग्र। और व्यग्र के बाद में अगला शब्द है बेचैन, बा में एक ही मात्रा बे, चा में ए की मात्रा चय और ना, बेचैन। के बाद में शुब्ध, क्षत्रिय वाला शा में छोटे उ की मात्रा आधा बा और धा, शुब्ध। और फिर है बेकल, बेकल बा में एक ही मात्रा बे और क और ला कल, बेकल। ठीक है, ये शब्द थे आकुल शब्द के पर्यायवाची थे। और अब हम लोग लिखेंगे आदि शब्द के पर्यायवाची, आदि, बड़ा आ, बड़ा आ और दा में छोटी की मात्रा दी, आदि। हिंदी लिखने के साथ साथ हम लोग पर्यायवाची शब्द भी सीख रहे हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और लिखेंगे आदि शब्द का पर्यायवाची शब्द है पहला प और हा पह,
ला में आ की मात्रा ला पहला, और फिर है प्रथम, पा में पदेंद्रा, था और मा प्रथम, और प्रथम के बाद में अगला शब्द है आदिम बड़ा आ, और दा में छोटी की मात्रा और म आदिम। आदिम के बाद में अगला शब्द है आरंभिक, आरंभिक लिखेंगे बड़ा आ रा और आधा मा और भा में छोटी की मात्रा और क आरंभिक। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, किसी अक्षर में यदि छोटी की मात्रा लिखी जाती है, उससे पहले कोई आधा अक्षर होता है, तो उस छोटी की मात्रा को हम उस आधे अक्षर से पहले लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, और पढ़ते हैं पूरे अक्षर के साथ। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक, ठीक है, और चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। अगला शब्द हमारा है आदि के बाद में अगला शब्द है आम, आम लिखेंगे आदि के बाद में अगला शब्द है आम बड़ा आ और म आम। आम शब्द के पर्यायवाची शब्द है रसाल, रसाल रा सा में आ की मात्रा रसा और ल रसाल, ठीक है, आम फल की बात हो रही है, ठीक है, फल वाला आम, ठीक है। रसाल के बाद में फल राज फा और ला फल, रा में आ की मात्रा रा और ज फल राज, और फल राज के बाद में सहकार सा और हा सह का में आ की मात्रा का और सहकार, ठीक है, और सहकार के बाद में है मधुरा सब, मधुरा सब, ये सभी शब्द आम शब्द के पर्यायवाची हैं। मा धा में छोटे उ की मात्रा मधु, रा में आ की मात्रा रा, सा और वा सब मधुरा सब। मधुरा सब के बाद में अगला शब्द है आम्र बड़ा आ, मा में पदेंद्रा आम्र के बाद में पिक बंधु, पिक बंधु, पा में छोटी की मात्रा और का पिक, बा आधा ना, धा में छोटे उ की मात्रा पिक बंधु के बाद में अगला शब्द है अम्ब आ में अनुसार बिंदु और ब अम्ब। ये सभी शब्द आम शब्द के पर्यायवाची शब्द थे, ठीक है, और अब हम लिखेंगे आंसू शब्द के पर्यायवाची। आंसू बड़ा आ में चंद्र बिंदु आ, सा में बड़े उ की मात्रा सु आंसू, ठीक है, और आइए अब हम आंसू शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखें। आंसू शब्द के पर्यायवाची पहला शब्द है अश्रु आ छोटा आ, स्रा में छोटे उ की मात्रा अश्रु के बाद में नेत्र नीर, नेत्र नीर, नामे एकी मात्रा और त्रा नेत्र, नामे बड़ी की मात्रा नी और नेत्र नीर के बाद में अगला शब्द है नयन नीर, ना या और ना नयन, नामे बड़ी की मात्रा नी और नयन नीर, नयन नीर के बाद में है नयन जल, ना या और ना नयन, ज और ला जल नयन जल के बाद में अगला शब्द है नेत्रवारी, नामे एक की मात्रा और त्र नेत्र, वा में आ की मात्रा और रा में छोटी की मात्रा नेत्रवारी के बाद में अगला शब्द है इंदिरा, इंदिरा लिखेंगे इंदिरा छोटी ई और आधा ना, दा में छोटी की मात्रा इंद और रा में आ की मात्रा रा इंदिरा, ठीक है। इंदिरा शब्द के अर्थ हैं लक्ष्मी, ल आधा क्ष, मा में बड़ी की मात्रा लक्ष्मी और फिर हाँ रमा रा, मा में आ की मात्रा रमा,
और रमा के बाद में कमला का और माँ कम ला में आ की मात्रा ला कमला और फिर है श्री श्रा में बड़ी की मात्रा श्री। ये सभी शब्द इंदिरा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। और आगे लिखेंगे हम लोग, अगला शब्द हमारा है ईख। ईख लिखेंगे बड़ी ई, बड़ी ई और ख। ईख शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, पहला शब्द है गन्ना। गन्ना ग आधा ना, ना में आ की मात्रा ना गन्ना के बाद में है रसद रा और सा और द रसद। और रसद के बाद में है रसाल रा सा में आ की मात्रा और ल रसाल। और फिर अगला शब्द है ऊख। ऊख बड़ा ऊ और ख। ऊख के बाद में अगला शब्द है रस दंड। रस दंड रा और सा रस डा में अनुसार बिंदु और ड रस दंड। ठीक है। और ईख के बाद में अगला शब्द हमारा पर्यायवाची शब्द है उचित। उचित छोटा ऊ और चा में छोटी की मात्रा और त उचित। उचित शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं ठीक। ठीक ठा में बड़ी की मात्रा ठी और का ठीक के बाद में अगला शब्द है वाजिब। वाजिब वा में आ की मात्रा जा में छोटी की मात्रा और ब वाजिब के बाद में अगला शब्द है उपयुक्त। छोटा ऊ और पा उप या में छोटे ऊ की मात्रा यू आधा का और ता उपयुक्त। और उपयुक्त के बाद में है सही सा और हा में बड़ी की मात्रा सही के बाद में सम्यक। सम्यक सा आधा मा और या सम्यक, माफ करना यहाँ पे का लिखना है। ठीक है सम्यक सा आधा मा या कायक सम्यक के बाद में अगला शब्द हमारा है उत्साह। उत्साह छोटा ऊ आधा ता सा में आ की मात्रा सा और हा। उत्साह उत्साह शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं जोश जा में ओ की मात्रा जो और श। जोश उत्तेजना छोटा ऊ ता के साथ आधा ता में एक की मात्रा उत्ते ज ना में आ की मात्रा उत्तेजना। और उत्तेजना के बाद में अगला शब्द है हौसला। हा में अ की मात्रा हौ और सा हौस। ला में आ की मात्रा ला हौसला के बाद में अगला शब्द है उमंग। उमंग छोटा ऊ मा में अनुसार बिंदु उमंग और ग उमंग। और उत्साह के बाद में अगला शब्द है उद्धत। उद्धत छोटा ऊ ध और त उद्धत शब्द के अर्थ हैं तैयार। ता में अ की मात्रा तय या में आ की मात्रा या और तैयार के बाद में अगला शब्द है तत्पर। ता आधा ता तत् पारा पर तत्पर के बाद में है प्रस्तुत। पा में पदेंद्रा आधा सा प्रस ता में छोटे उ की मात्रा तू और ता प्रस्तुत। ठीक है और विराम लिखेंगे। अगला शब्द हमारा है उजाला। उजाला लिखेंगे उजाला शब्द के पर्यायवाची शब्द छोटा ऊ
और जा में आ की मात्रा उजा, ला में आ की मात्रा ला, उजाला। ठीक है, उजाला शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं प्रकाश, पा में पदेन्द्रपुर, का में आ की मात्रा और श, प्रकाश, और प्रकाश के बाद में है आलोक, बड़ा आ, ला में ओ की मात्रा आलो और क, आलोक के बाद में है ज्योति, आधा जा, या में ओ की मात्रा जियो, ता में छोटी की मात्रा ति, ज्योति के बाद में अगला शब्द है प्रभा, पा में पदेन्द्रा, भा में आ की मात्रा प्रभा, विराम लिखेंगे और अगला शब्द लिखेंगे हम लोग अगले पेज पर। उजाला के बाद में अगला शब्द है ऊंचा, ऊंचा लिखेंगे, बड़ा ऊ और चंद्रबिंदु ऊ में और चा में आ की मात्रा चा, ऊंचा। ठीक है, ऊंचा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं उच्च, छोटा ऊ, आधा चा और च, उच्च। उच्च के बाद में अगला शब्द शीर्ष, शीर्षथ, शा में बड़ी की मात्रा और शा फिर लिखेंगे और रेफ की मात्रा शीर्ष, आधा सा और थ, शीर्षथ। ठीक है, शीर्षथ के बाद में उत्तुंग, उत्तुंग, छोटा ऊ, ता के साथ आधा ता और ता में छोटे ऊ की मात्रा अनुसार बिंदु, उत्तुंग, उत्तुंग के बाद में उन्नत, छोटा ऊ, आधा ना और ना और ता, उन्नत के बाद में अगला शब्द है ऋषि, ऋषि लिखेंगे, रि और शा में छोटी की मात्रा ऋषि, ऋषि शब्द के पर्यायवाची शब्द है मुनि, मुन लिखेंगे, मा में छोटे ऊ की मात्रा मु और ना में छोटी की मात्रा नि, मुनि। मुनि के बाद में महात्मा, म, हा में आ की मात्रा महा, आधा ता, मा में आ की मात्रा मा, महात्मा। महात्मा के बाद में साधु, सा में आ की मात्रा और धा में छोटे ऊ की मात्रा साधु के बाद में संत, संत लिखेंगे, सा में अनुसार बिंदु सन और ता संत, फिर सन्यासी, सा में अनुसार बिंदु सन और या में आ की मात्रा सन्या, सा में बड़ी की मात्रा सी, सन्यासी। ठीक है, और सन्यासी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सा आधा ना या में आ की मात्रा सन्या, सा में बड़ी की मात्रा सन्यासी। ठीक है, और सन्यासी के बाद में ऋषि के बाद में है एकांत, एकांत शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, एकांत, ए और का में आ की मात्रा अनुसार बिंदु और त, एकांत। एकांत शब्द के पर्यायवाची हैं सुनसान, सुनसान, सा में छोटे ऊ की मात्रा सु और न सुन, सा में आ की मात्रा सा और न, सुनसान के बाद में अगला शब्द है शून्य, शा में बड़े ऊ की मात्रा आधा ना और या, शून्य के बाद में निर्जन, ना में छोटी की मात्रा, जा में रेफ की मात्रा और न, निर्जन के बाद में सूना, सूना, सा में बड़े ऊ की मात्रा, ना में आ की मात्रा सूना और सूना के बाद में विजन, विजन, वा में छोटी की मात्रा, जा और न, विजन। और एकांत के बाद में अगला शब्द है ऐश,
ऐश लिखेंगे, ऐश, ऐ और श। ऐश शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं विलास, विलास वा में, छोटी की मात्रा ला में, आ की मात्रा और स, विलास और अयासी, अयासी, ऐ या में आ की मात्रा, शा में बड़ी की मात्रा, अयाशी के बाद में अगला शब्द है सुख चैन, सा में छोटे उ की मात्रा और खा सुख, चा में ऐ की मात्रा चय और ना सुख चैन। विराम लिखेंगे और अगला शब्द है हमारा ओस। ओस शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ओ ओ और स। ओस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं तुषार, ता में छोटे उ की मात्रा तु, शा में आ की मात्रा शा और तुषार के बाद में तुहिन कण, तुहिन कण, ता में छोटे उ की मात्रा, हा में छोटी की मात्रा और न तुहिन, का और अणा कण, तुहिन कण, तुहिन कण के बाद में अगला शब्द है हिमबिंदु, हिमबिंदु, हा में छोटी की मात्रा और ना हिम, वा में बा में छोटी की मात्रा आधा ना, दा में छोटे उ की मात्रा हिमबिंदु के बाद में अगला शब्द है हिमकण, हा में छोटी की मात्रा और ना हिम, का और अणा कण, हिमकण, हिमकण के बाद में हिमसीकर, हिमसीकर, हा में छोटी की मात्रा और मा हिम, सा में बड़ी की मात्रा सी, का और आकर हिम सीकर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी लिखना सीखा, और हिंदी लिखना सीखें कि आज के वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे, हिंदी के शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द लिखे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल रमन विद्यार्थी में आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय हिंदी।